लोकसभा चुनाव में इन दिनों बाड़मेर जैसलमेर सीट चर्चा में है। कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल, भाजपा से कैलाश चौधरी और निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। तीनों प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बात यहां पर उम्मीदवार बेनीवाल की करे तो बेनीवाल ने अपनी इच्छा से पुलिस की नौकरी छोड़कर जनता की सेवा करने के लिए चुनावी रणक्षेत्र में उतरे हैं। उम्मीदवार ने पहले हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर आरएलपी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं जहां बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी अपनी चुनावी सभाओं में उम्मीदवार बेनीवाल को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ते, तो वहीं बेनीवाल भी चुनावी जनसभा में लगातार भाजपा पर हमलावर है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार व निर्दलीय प्रत्याशी को एक ही पार्टी की ए और बी टीम बताया है। वहीं उम्मीदवार बेनीवाल ने कहा कि 10 साल कांग्रेस के लिए ठीक नहीं थे, यह चुनाव कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है। उन्होंने कहा यहां भाजपा प्रत्याशी को खुद पर विश्वास नहीं है, केवल मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं बीजेपी अब दो धड़ों में बंट चुकी है, इसलिए हम जीतेंगे। मेरे लिए स्टार प्रचारक जनता है और वही मुझे जिताएगी।